बच्चों, एडविला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। साइंस क्लास 6 की वर्कशीट है 36, सॉरी 26 नंबर की वर्कशीट है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं, तो आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाइए और अपनी इमेज को देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। डू द साइज ऑफ बॉडी सेम, सेम है ना, देखिए ये सेम साइज है, तो यस होगा इसका आंसर। जब आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो आपको कौन सा हैंड दिखता है प्लेन मिरर में? राइट हैंड। राइट उठाओगे तो लेफ्ट दिखेगा, और जब आप पीछे दो कदम पीछे जाओगे तो इमेज का भी दो कदम पीछे बनेगी। क्लियर है? इमेज विल आल्सो बी टू स्टेप बिहाइंड। व्हेन महेश स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, महेश ने देखा कि वही इमेज तो सेम बन रही है, जो इमेज सेम बन रही है उसके जैसे ही। व्हेन द लाइट फ्रॉम सोर्स लाइक बल्ब, जब बल्ब या सन से लाइट पड़ती है महेश पे और रेज जो एंटर होती है उसके आईज में रिफ्लेक्शन के बाद, तब महेश को रिफ्लेक्ट इमेज दिख पाती है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के प्लेन मिरर के? सबसे पहली बात तो जो साइज बनता है, मान लो आपकी हाइट है 5 फुट, तो 5 फुट की इमेज बनेगी। ठीक है, 4 फुट तो 4 फुट इमेज जो फॉर्म बनता है वो इन्वर्टेड, प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं होती। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ इरेक्ट होगा। प्लेन मिरर में इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब था सीधी इमेज बनती है। इमेज फॉर्म इन मिरर इज एज फार एज इन फ्रंट ऑफ मिरर, जितनी दूरी पे आप खड़े हो इमेज उतनी दूरी पे बनती है। आप देखोगे आपकी जो इमेज दिख रही होगी शीशे में वो भी उतनी डिस्टेंस पे दिखेगी। व्हाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब व्हेन यू मूव बैकवर्ड, तुम पीछे की तरफ जाते हो, जा रहे हो, तो इमेज भी पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इमेज रियल तो दिखती है लेकिन एक्चुअल में रियल नहीं होती है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। जो इमेज दिख रही है रियल है लेकिन है नहीं एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसको आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, सिर्फ इमेज ही दिखेगी, एक्चुअल में आप इसको मूवी की तरह नहीं दिखा सकते। नाउ चलिए लेट्स डू ए बी सी डी जेड तक जो है पेपर पे लिख लो, प्लेन मिरर के आगे लेके जाओ, देखो कौन से मिरर सेम दिख रहे हैं और कौन से डिफरेंट। तो हमने देखा कि ए एच आई एम ओ टी यू बी डब्ल्यू एक्स, ये तो सेम दिख रहे हैं इमेज में भी, लेकिन बी जो है ऐसा हो जाता है, सी ऐसा हो जा रहा है, डी ऐसा हो जा रहा है, ई ऐसा हो जा रहा है ना, तो ये सारे डिफरेंट दिख रहे हैं, इनको छोड़ के बाकी सब डिफरेंट है। अब इसको आपको पढ़ना है गाड़ी पे क्या लिखा है, तो गाड़ी पे लिखा है एम्बुलेंस। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा लेफ्ट वाला पार्ट सबसे राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, यहाँ से शुरू ये वाला पार्ट ई जो है यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, प्लेन मिरर में इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज का रेशियो 1:1 होता है। मान लो 5 फुट का है तो 5 फुट की इमेज बनेगी, तो कट के तो 1:1 ही आना है ना। 3 फुट का है, 3 की इमेज बनेगी, तो कट के क्या आएगा 1:1। हर सिचुएशन में 1:1 ही आना है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो 1:1 ही होगा, 1:1। राइट योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है किसी पेपर पे, इमेज प्लेन मिरर के आगे लेके जानी है, और फिर जो इमेज में आपको दिख रहा होगा ना उसको लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा राधा, तो राधा का ये ए यहाँ दिखेगा एज इट इज होगा, एच का एज इट इज होगा, डी ऐसा नजर आएगा, ये ए फिर यहाँ होगा और आर इस तरह से नजर आएगा। ऐसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है और उसकी इमेज कैसी बनी, जरूर बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। चलिए खेलते हैं इसको और मैं इंतजार करूंगी कौन कौन इसका जवाब देता है। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज टू सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।